मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल की बेटी गजब स्टाइलिश, तस्वीरें जीत लेंगी आपका दिल। 90 के दशक की ऐसी कई चीजें हैं जो हम सभी को अब तक याद है, जैसे कि 90 के दशक की फिल्में, अभिनेता, अभिनेत्रियां और गाने भी जो आज भी लोगों के जुबान पर रहता है। अगर आप भी 90 के जन्मे हैं तो आप सिंगर अनुराधा पौडवाल को तो अच्छी तरह से जानते होंगे। जिस तरह से 90 के दशक के फिल्मों को लोग बड़े मन से देखते थे, वैसे ही अनुराधा पौडवाल के भजनों की कैसेट्स भी कई घरों में आवश्यक रूप से पाई जाती थी। और वही अगर हमारे घर में कोई इनके भजन बजाना भूल भी जाता था तो पड़ोसी के घर से उनकी आवाज आ ही जाया करती थी। अनुराधा पौडवाल 90 के दशक की एक मशहूर गायिका है। अनुराधा पौडवाल की गायकी से लोग इतने प्रभावित हुए कि लोग उन्हें दूसरी लता मंगेशकर कहने लगे थे। लेकिन जिस तरह से 90 के दशक के कई जाने माने कलाकारों ने फिल्मों से दूरी बना ली, वैसे ही धीरे धीरे अनुराधा ने भी सिंगिंग से दूरी बना ली और अब ये इंडस्ट्री से लगभग गायब सी हो गई है। अनुराधा के गाए हुए भजन के तो आज भी लोग दीवाने हैं, लेकिन इनके असल जिंदगी के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। आज हम आपको इन्हीं के निजी जिंदगी के विषय में कुछ जानकारी देने वाले हैं। 27 अक्टूबर 1954 को जन्मी अनुराधा पौडवाल का बचपन मुंबई में बीता, जिसकी वजह से उनका रुझान फिल्मों की तरफ था। अपने कैरियर की शुरुआत अनुराधा ने 1973 में अमिताभ बच्चन और जया की फिल्म अभिमान से की थी। इसके बाद उन्होंने हीरो, तेजाब, दिल, राम लखन, आशिकी और साजन जैसी फिल्मों में अपनी आवाज दी है। आखिरी बार उन्होंने साल 2006 में फिल्म जाने होगा क्या के लिए प्लेबैक सिंगिंग की थी, लेकिन उन्होंने अपने करियर की ऊंचाई पर जाकर फिल्मी गीतों में गाने से मना कर दिया था, जिसके बाद अनुराधा पौडवाल कई भक्ति गीतों में आवाज दी। अनुराधा ने अरुण पौडवाल से शादी की थी, जो कि एस डी बर्मन के असिस्टेंट थे और खुद भी एक म्यूजिक कंपोजर थे। इनके दो बच्चे बेटा आदित्य और बेटी कविता पौडवाल है, लेकिन अनुराधा के पति अरुण पौडवाल की सन 1991 में मौत हो गई। अनुराधा ने करीब 10 साल से ज्यादा समय तक टी सीरीज के लिए काम किया, जिसके बाद अनुराधा का नाम टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार जोड़ा गया। अनुराधा की बेटी कविता भी अपनों माँ की ही तरह सिंगिंग में अपना करियर बना चाहती है, क्योंकि सोर्सेज के मुताबिक यही उनकी इनकम का सोर्स है। हालांकि कविता अपनी माँ के जितना फेमस नहीं हो पाई है, उसने अब तक करीब 16 भक्ति एल्बम के लिए गाने गाए हैं। कविता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इवेंट्स के लाइव वीडियोज और छोटी छोटी लाइव परफॉर्मेंस शेयर करती रहती है। आपको बता दें, कविता एक बेहतरीन क्लासिकल सिंगर भी हैं। उन्होंने पंडित जियालाजी वसंत और सुरेश जी से ट्रेनिंग ली है। उन्होंने 1992 में रिलीज हुई महेश भट्ट की फिल्म जुनून में तू मेरा मेहरबान गाना गाया था। वे मात्र 13 साल की उम्र से ही म्यूजिक से जुड़ी और 16 साल की उम्र तक ही दो फिल्मों के गाने कंपोज कर दिए थे।